हेलो गाइस, टेक टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप लोग रॉकस्टार लॉन्चर के ऑफलाइन मोड को सॉल्व कर सकते हैं। ऑफिशियल वे मैं आप लोग दिखाऊंगा। ऑफिशियल वे मतलब रॉकस्टार के वेबसाइट में जाके इस प्रॉब्लम को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम कुछ दिन पहले हुआ था और मैंने सॉल्व किया है इस प्रॉब्लम को रॉकस्टार के वेबसाइट में जाके। तो मेरा प्रॉब्लम था कि जब मैं इंटरनेट से कनेक्टेड था, मेरा वाईफाई या फिर राउटर जब मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड था, तब मुझको रॉकस्टार लॉन्चर में ऑफलाइन मोड दिखा रहा था, पर मेरा इंटरनेट बिल्कुल सही था। फिर मैंने नेक्स्ट क्या ट्राई किया, मैंने अपने मोबाइल का इंटरनेट शेयर किया कंप्यूटर के साथ और मैंने देखा कि जो रॉकस्टार लॉन्चर है वो सही से लॉन्च हो रहा है। तो आपके साथ भी अगर सेम प्रॉब्लम है, आपका वाईफाई आपका इथरनेट से अगर आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है और जो रॉकस्टार लॉन्चर है वो लॉन्च नहीं हो रहा, ऑफलाइन मोड दिखा रहा है, पर जब आप अपने मोबाइल पे कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल से वो लॉन्च हो रहा है और गेम भी चल रहे हैं, तो अगर आपके साथ ये सेम प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों को ऑफिशियल वे से कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं दिखाऊंगा। चलिए देख लेते हैं। रॉकस्टार के वेबसाइट पे आ जाना है और आपको लॉग इन कर लेना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो कुछ समय ऐसा भी होता है अगर आप अपने वाईफाई से कनेक्टेड हैं आपके कंप्यूटर से, तो रॉकस्टार का जो वेबसाइट है ये ओपन नहीं हो रहा। ऐसा कुछ अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग अपने मोबाइल का डेटा यूज़ कर सकते हैं इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, आपको जो ये थ्री लाइन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा, सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा आपको कौन से गेम से सपोर्ट चाहिए, ये आपको पूछ रहा है, आपको आस्क कर रहा है, आप लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रॉकस्टार गेम्स लॉन्चर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, आपको प्रॉब्लम क्या है ये बताना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कनेक्टिविटी से मुझको प्रॉब्लम है, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है, पीसी का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रेलिवेंट कुछ सोल्यूशन आपको बताएगा, पर आपको सोल्यूशन नहीं देखना, आपको कॉन्टेक्ट आस पे क्लिक कर देना है। ओके, तो कॉन्टेक्ट आस पे जब आपको क्लिक करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्विस डेटा से ऑल फीचर अवेलेबल, मतलब इस जो भी सर्विस है इसका अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल्यूशन आप देख सकते हैं, आपको पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा कुछ सेक्शन दिखाएगा, यहाँ पर आप लोग सोशल क्लब निकनेम ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे लिखेंगे, आपका प्रॉब्लम कि अनेबल टू कनेक्टेड टू द रॉकस्टार लॉन्चर, मुझको ऑफलाइन दिखा रहा है। और यहाँ पे एक फ़ोटो आप लोग अपलोड करेंगे, स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे, जो रॉकस्टार लॉन्चर का पिक्चर आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ऑफलाइन मोड से, जो आपको ऑफलाइन मोड दिखा रहा है ना उसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपलोड यहाँ पे कर देंगे। ओके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग को सबमिट कर देना है चैट टिकट या फिर वेब टिकट। चैट टिकट मतलब डायरेक्टली आप चैट शुरू कर सकते हैं एक मिनट के अंदर ही अंदर, और वेब टिकट मतलब जीमेल से आप लोग चैट कर सकते हैं। मैं आप लोग कहूँगा इससे ये दोनों ऑप्शन से कोई भी एक चूज़ कर लीजिएगा, आखिर का ऑप्शन मत चूज़ कीजिएगा, कॉल से आप लोग को समझाने में बहुत ज़्यादा झमेला होगा। ओके, तो इसके बाद रॉकस्टार वाले आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने को कहेंगे और मैं आप लोगों को टास्क बताऊंगा और आप लोगों को जानकारी उसके बारे में दूंगा। ओके, चलिए कौन कौन से टास्क हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, पहला टास्क है आप लोगों को आपका जो डोमेन नेम सर्वर है उसको चेंज करना होगा, डीएनएस सर्वर को चेंज करना होगा। कैसे डीएनएस सर्वर को चेंज करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो आप लोग कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में सर्च करेंगे और आपको कंट्रोल पैनल दिख जाएगा। कंट्रोल पैनल में नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स आपको दिख जाएगा, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों को नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसको क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर वाईफाई या फिर इथरनेट जिससे भी आप लोग कनेक्टेड हैं उसका ऑप्शन दिख जाएगा, इसको क्लिक करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा ये इंटरनेट कनेक्शन है, स्पीड दिखा रहा है, ड्यूरेशन दिखा रहा है, सारी चीज़ें। तो चलिए आप लोग इसके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे।
ओके, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 दिख जाएगा, इसके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे DNS सर्वर इसको सेट कर देना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सेट है, अगर आपका सेट नहीं है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखाएगा एड्रेस ऑटोमेटिकली, पर आपको यहाँ पे मैनुअली ये सेट करना है। ओके, ये है DNS सर्वर 4 और DNS सर्वर 6 में भी सेम करना है, आपको ऑटोमेटिकली पहले दिखाई इसको चेंज करके DNS सर्वर इस एड्रेस पे आपको सेव कर देना है, प्रेफर्ड DNS सर्वर और अल्टरनेट DNS सर्वर। ओके, इसको ओके कर देंगे। ओके, मैंने ऑलरेडी सेव करा है। ओके, तो यह था फास्ट। तो सेकेंड ओलोक क्या कहेंगे, सेकेंड ओलोक आपको कहेंगे कि आपका जो विनसॉक है उसको रीसेट करना है। विनसॉक को रीसेट कैसे करेंगे, आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। ओके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह रहा मेरा कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे आपको कुछ छोटे मोटे कमांड देने होंगे। कैसे कमांड, आईपी कॉन्फिग का कमांड आपको देना होगा, आईपी रिन्यू का कमांड आपको देना होगा और ऐसे ही 2 या फिर 3 कमांड आपको देने होंगे। सारे कमांड के लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उस कमांड को परफॉर्म कर सकते हैं खुद ही। ओके, और ये दोनों करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आप लोग को आखिर में कुछ चीज़ वो लोग करने को कहेंगे। क्या करने को कहेंगे, आप लोग को करना होगा आपका स्पीड, इंटरनेट स्पीड डॉट नेट से आपका डेटा का स्पीड वो लोग चाहेंगे। ओके, आप इस स्पीड को इंटरनेट से कनेक्ट करके ही सेंड कीजिएगा, मोबाइल डेटा से मत कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपको व्हाट्स माई ip.org से आपके आईपी एड्रेस वो लोग चाहेंगे। ओके, आपको आईपी एड्रेस देके स्क्रीनशॉट देके उन लोगों को सेंड करना है और आखिर में आपको आईपी कॉन्फिग कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आईपी कॉन्फिग को स्क्रीनशॉट आप लोगों को दे देना है। ये 3 स्क्रीनशॉट अगर आप उन लोगों को भेज देंगे तो वो लोग आपका प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे दोस्त। ओके, तो यही था छोटा सा वीडियो, लाइक शेयर कीजिएगा और मैं मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय, सी यू लेटर, बाय बाय।